हाय गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बाई के द किड। और आज मैं बुरहानुद्दीन के लिए ये एक सुपरमैन की काइट लाया हूँ, जो उसके लिए उसको दिखाया नहीं है मैंने, उसके लिए सरप्राइज है, उसे हम जाएंगे तब दिखाएंगे। तो बेसिकली ये काइट लाया हूँ उसके लिए, और इस पे मुझे नॉट बांधना है, जो कनी कहते हैं जिसे वो बांधना है। तो वो मैं सोचा कि यस लेट्स शो इट टू यू ऑल्सो, आपको भी दिखाना चाहिए कि कनी कैसे बांधते हैं। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कैसे बांधना है, इसका मेजरमेंट कैसे लेना है, और खास करके प्लास्टिक की काइट है, ये प्लास्टिक की काइट है। इसमें क्या होता है ना, जब आप होल्स करते हो ना, तो उसमें चांसेस है कि काइट फट जाती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें होल्स करना है और कैसे इसकी कन्नी बांधनी है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि सारी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। सुपरमैन बोल रहा है आपको, अभी सुपरमैन की बात मानो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो गाइस। ओके, नहीं तो सुपरमैन आपका हॉलर डाउन कर देगा। समझ गए ना, समझ गए तो अच्छी बात है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसकी नॉट बांधना। इसके लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली वो आपको बताता हूँ। एक काइट की जरूरत पड़ने वाली, एक कैंडल की जरूरत पड़ने वाली, और एक नीडल की जरूरत पड़ने वाली। बेसिकली ये नीडल, ये वाली नीडल है। तो ये नीडल से मैं होल डायरेक्टली नहीं करने वाला हूँ, ये कैंडल का मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको जला के लेके आ जाऊँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैंडल का मैं क्या करूँगा। कैंडल जल चुकी है गाइस, आप देख सकते हो कैंडल जल रही है। अभी इसे एक जगह मैं लगा दूंगा पहले। तो कैंडल मैंने खड़ी कर दी है। अब ये जो नीडल है, बेसिकली इसे मैं हल्का सा गर्म करूंगा। कम ऑन, ये नीडल को मैं कर रहा हूं गरम, ताकि इसमें प्लास्टिक में जो है आप गरम चीज से होल करोगे तो जल्दी होगा और वो फटने के चांसेस जो है उसके काफी कम हो जाएंगे। तो ये हो चुकी है गरम। अब आप देखिए, मैंने ये काइट को जो है वो यहां पकड़ लिया। एक होल आपको करना है यहाँ पे ऊपर के साइड पे। तो ये देखिए इजीली होल हो चुका, ये इजीली होल हो गया। देखिए आप, मेरी काइट फटी भी नहीं। जो प्लास्टिक की काइट होती है गाइस, उसमें होल करने का इजीएस्ट तरीका यही है कि नीडल लो, उसे हल्का सा आप गर्म करो, और इसमें जो है वो काफी इजीली ये जो होल हो गया। तो मेक श्योर के गाइज आप ये काइट में होल कर सको विदाउट एनी फटम फटी। ये देखो इतना सा मैंने मेजरमेंट लिया और एग्जैक्ट इसके बेल्ट के पास आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो गाइस, पहले कैंडल को बुझा देते हैं वरना ये मेरी काइट को जला देगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे दो होल हो चुके हैं, यहाँ पे मेरे दो होल्स हो चुके हैं। अब होल्स तो हो चुके हैं गाइस, अब इसमें डालेंगे हम थ्रेड, धागा। तो जो बेसिकली पतंग उड़ाने का धागा आता है वो, ये मेरी बुरहानुद्दीन की फिरकी है लास्ट ईयर हम लोगों ने जो काइट फ्लाइंग एक्टिविटी की थी उसकी है। ये धागा मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा धागा लेना है। दोनों एंड्स जो है उसके धागे के, दोनों एंड्स जो है उसे आपको साथ में लाना है, और इसे दोनों एंड्स को जो है वो आपको नॉट मार के बांध देना है। ये दोनों एंड्स को मैंने बांध लिया। ओके, नाउ काइट का सेकेंड एंड आपको थोड़ा टाइट कर देना है, ताकि इसको पॉइंटेड हो और ये इजीली जो है वो होल में इंसर्ट हो जाए। नाउ ये काइट को आपको उल्टा कर देना है। मैंने ये काइट को उल्टा कर दिया है, और पहले मैं ऊपर का नॉट करूंगा, एक होल में डालना है आपको। ये जो डंडी है, ये धागा इसके थ्रू जाना चाहिए, इसके नीचे से नहीं। तो ये मेक श्योर करना है, वरना ये स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी काइट की। ये मैंने यहां ले लिया है। अब मैं जो है इसे टाई कर दूंगा। एक नॉट करके छोड़ना नहीं है आपको, सेकंड नॉट भी मारना है, ताकि एक नॉट होगी तो वो खुलने के चांसेस होते हैं, और खुल ही जाएगा वो। तो आपको सेकंड नॉट मार के इसे काफी टाइट कर देना। आप देख सकते हैं मेरी काइट जरा भी नहीं फटी है, बिकॉज मैंने वो नीडल से होल की है इसके लिए। अब सेकेंड साइड आना है। अब यहां पे ये सेकेंड साइड है इसका, और यहां पे हम धागा अपना इंसर्ट करेंगे। ये मेरे दोनों नॉट जो है वो हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी जो है इसे आपको ऐसे पकड़ना है, दोनों जो थ्रेड्स है धागे है उसे आपको ऐसे पकड़ना है। तो वंस यू कैच इट दिस वे, ये मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया है, आप देख सकते हो।
अब इसका मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे का जो धागा है वो लूज करके आपको ऊपर का जो ये पॉइंट है यहां तक मेजरमेंट लेना है, और ऊपर का धागा लूज करके आपको नीचे के पॉइंट तक का मेजरमेंट लेना है। मेक श्योर गाइज ये मेजरमेंट परफेक्ट हो, ये मेजरमेंट पे ही काइट जो है वो अच्छे से फ्लाई करती है। अगर ये मेजरमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपकी काइट जो है वो अच्छे से फ्लाई नहीं करेगी गाइज। तो ये जो पॉइंट है, मेरे को ये जो पॉइंट मिला है वो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा, आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, और ये हेल्प करेगी आपको काइट फ्लाई होने में। यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट पोजिशन जो है वहां पे आपको नॉट करनी है। अब देख सकते हो कि मैं एग्जैक्ट पोजिशन पे जो है वो नॉट कर रहा हूं ताकि मेरी काइट जो है वो बढ़िया से फ्लाई हो। आप देख सकते हो मेरी नॉट बंद चुकी है, ये है ऊपर और ये है नीचे, एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने लिया हुआ है, और ये आपकी नॉट जो काइट नॉट है वो रेडी है। दिस काइट इज रेडी टू फ्लाई। आपको यहाँ पे एक दूसरा धागा अटैच करना है, उसे नॉट करना है उसमें, और ये काइट जो है वो रेडी टू फ्लाई है। तो गाइज ये मैंने सुपरमैन की काइट ली और इसे मैंने नॉट बांधना आपको सिखाया, जिसे हिंदी में कनी कहते हैं, तो ये कनी बांधना सिखाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, वरना ये सुपरमैन जो है ना वो आपके पास आएगा और सब्सक्राइब कराएगा, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम लोग ये काइट को आज शाम को फ्लाई करने वाले हैं, वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। बाय, तब तक आपकी आप भी काइट लो, काइट को नॉट बांधो और रेडी हो जाओ हमारे साथ काइट फ्लाई करने के लिए। बाय बाय।